हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास सेवेंथ। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। ओके, अब हम आज डिस्कस करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ओके, तो बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट है 3/4 / 9/8। इसको जो हमें करना है डिवाइड करना है, 3/4 किससे डिवाइड करना है, 9/8 से। इसको हम फॉर्म बता दे रहे हैं कैसे कैसे लिखा जाता है, 3/4 / 9/8, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, यदि इस तरीके से नहीं समझ में आता तो ये जो बच्चों वाला मेथड है 3/4 ऐसे 9/8, ये तो आपके समझ से ही बाहर है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने रूल बताया था, जब रूल को बता रहे थे तो बताया था कि यहाँ पर डिवाइड है तो सिंपली इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इसका क्या लिखते हैं, इनवर्स यानी कि अपोजिट। 8/9 क्या किया, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया और इसका उल्टा कर दिया। अब देखिए सबसे पहले यदि कोई डिवाइड होता कट होता तो हम कट करेंगे, कैसे करेंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 3 1 = 3, 3 3 = 9। याद रखिएगा एक ही नंबर से कटेगा, एक नंबर से ए कटेगा, इधर कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। 2 1 = 2 / 3 1 = 3, ये हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें का मैं एक और बता दूं, हो सकता आपको माइनस वाले पोर्शन में दिक्कत हो, तो एक एफ है, एफ बता देता हूँ, 56 / -7/35। इसमें हो गया, इसको कर सकते हैं 56/1 / यानी डिवाइड -7/35 और यहाँ पर 56/1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, ठीक है, इनवर्स करेंगे, कटेगा 7 8 = 56 और ये हो गया 8 × 35/1 कर देते हैं। और 35 का जब मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 280, ठीक है। अपान चाहे तो 1 कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, यह है हमारा आंसर। ओके, इसे नोट कर लीजिए, मैंने ए और एफ बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, सिंपलीफाई दी फॉलोइंग। इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों का मिक्स दिया है, तो करना क्या है, पहले को देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। इसमें ए पार्ट है 3/7 / 9/7। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 27/16, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 3/7 करेंगे और जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिवर्स करेंगे, यानी कि 7/9 और ब्रैकेट को हटा के डायरेक्ट लिख देंगे 27/16। ये बहुत ही सिंपल होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 1 = 9, 9 3 = 27, ठीक है। आप देखिए कोई कटने वाला नहीं है इसमें, 3 3 = 9/16 1 = 16, ये है हमारा आंसर। इसमें बी पार्ट है, बी को देख लीजिए, -21/16 × 48/7 डिवाइड बाई
81 इंटू 7 अपॉन 9 कैसे सॉल्व किया जाएगा, माइनस 21 अपॉन 16। जैसे मैं चिन्ह को परिवर्तित कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हो सकता मिस्टेक हो जाए, 48 अपॉन 7। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसको भी हम रहने देते हैं इसे, ठीक है, डिवाइड को डिवाइड ही रहने देते हैं। देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ब्रेकेट में अपान वन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 1/81 और इसको 9/7। अब एक लाइन में हो गया टोटल, कुछ कटेगा, नाइन नाइन जा 81, और यहाँ पर 7 3 जा 21, माइनस 3 हुआ, ठीक है, और कुछ तो कटने वाला नहीं है, कटेगा अभी, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 16 3 जा 48, 16 1 जा 16, सब कट गया। ध्यान से काटिएगा, ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिख के ऐसे ऐसे कट कर देंगे, इसको एक लाइन में और बढ़ा दीजिएगा यदि समझ में नहीं आया हो। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/7 1 जा 7, ये है हमारा आंसर, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द सम ऑफ 5/7 एंड 4/3 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -11/7 एंड 8/9। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप सब इसे सॉल्व कीजिएगा। डिवाइड द सम ऑफ 5/7 प्लस 4/3, इसको डिवाइड करना किससे करना है, प्रोडक्ट ऑफ, यानी -11/7 एंड 8/9, ये 10 का हमारा शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको कैसे करेंगे, 5 3 जा होता है 15 प्लस 7 4 जा 28 अपान 7 3 जा 21, ओके, और यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, 7/-11 और यहाँ पर 9/8, सिंपलेस्ट हो गया, इसको ऐड करेंगे, 8 5 होता है 13, 2 1 3 1 4/21 मल्टीप्लाई, देखिए 1- है तो 1- को हम सबसे आगे लाके लिख देते हैं। देखिए एक बात और है, अभी मैं जो पिछला क्वेश्चन बताया था इसको, तो ये जो माइनस था मैं मिस्टेक से वहाँ पर भूल गया, तो आप सब उसे नोट कर लीजिएगा, 1/7 जो आया था तो -1/7 लिख लीजिएगा इसमें, और यहाँ पर 7/11 इंटू 9/8 जो कटेगा उसको कट कर देना है, ठीक है, और जो नहीं कट होता है उसको मत कट कीजिए, इसके आगे सॉल्व करना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड द सम ऑफ -16/9 एंड -11/-18 डिवाइड बाय 7, इसको भी सॉल्व करना अलग से, 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x-y डिवाइड बाय x+y इफ x=3/4 एंड y=-2/7। इसको देखिए इसमें क्या करना है, x-y डिवाइड बाय x+y, तो x और माइनस x-y की और x+y की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए अलग से, ठीक है, x y की वैल्यू दी गई है और वैल्यू आने पर इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। बी केयरफुली सॉल्व दिस क्वेश्चन। 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इच 72/39 इफ 1 ऑफ देम इज 15/9 फाइंड द अदर, इसको तो मैं एकदम नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो रूल बताया था उसमें का एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था,
प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू वन रेशनल नंबर अपान, देखिए प्रोडक्ट दिया ना, तो वन रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इधर और यानी दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इधर और जो प्रोडक्ट दिया उधर, दोनों करेंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंड द नंबर डेट -14/6 शुड बी डिवाइडेड बाई इन ऑर्डर टू गेट द क्वाड्रेंट 7/36। तो इसको देखते हैं। फाइंड द नंबर डेट -49/6 कह रहा है, -49/6 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमारा भागफल यानी क्वाड्रेंट जो आए 7/36 आ जाए। ठीक है, तो इधर देखिए, तो मैं बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाइड में, और ये हो गया 1/x इक्वल टू 7/36। और एक बात और है, -49/6 है, ये 1/x है, इधर जाएगा टोटल x हो जाएगा, क्या हो गया x, और इधर आएगा ये हो गया मल्टीप्लाई 30/7। देखिए 36 का मल्टीप्लाई इधर होगा ऊपर चला गया और 7 का मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया, इतना 7/7 = 49, 6/6 = 36 कट गया सब, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 7/6 = 42 = x, यानी x की जो वैल्यू आई है वो है 42। क्वेश्चन नंबर जो भी पार्ट है ये 13 क्वेश्चन के अनुसार ही लगेगा। बुक में वर्ड प्रॉब्लम देखिएगा, इसमें का बी पार्ट है, इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं सी डी ई, इसे आप सब प्रैक्टिस समझकर लगाइए घर पर, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसे बताने का प्रयास अवश्य करेंगे, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.4। अब हम जो स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में वो रहेगा हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले पिछला जितना पढ़ाया गया उन सबका रिवीजन करते रहिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।